अभी क्या अपडेट है सर? देखिए, ये मृतक दंपति यहाँ सोसाइटी में 9th फ्लोर पर एक फ्लैट में रहते थे, और यहीं सोसाइटी में ही एक मार्केट है जहाँ पे इनका स्टोर था, ग्रोसरी शॉप ये चलाते थे। जो परिवार के लोग हैं, बाकी इनके बेटे बहू और मदर फादर वगैरह, वो भी यहीं नोएडा में रहते हैं, वो कहीं किसी दूसरे एरिया में रहते हैं। उनका कहना है कि पिछले 1.5-2 महीने पहले ही इन्होंने यहाँ इस सोसाइटी में शिफ्ट किया था, क्योंकि स्टोर यहाँ पर था, स्टोर यहाँ से नज़दीक पड़ता था। आज सुबह इनके परिवार के लोगों ने सूचित किया कि दोनों जो हैं हस्बैंड वाइफ, वो मृत अवस्था में फ्लैट में हैं। जो प्रथम दृष्टया हम लोगों की टीम यहाँ पर पहुँची है, डॉग स्क्वाड, हमारी फील्ड यूनिट, SOG सर्विलांस की टीम, थाने की टीम, सारी टीमें अपना काम कर रही हैं। दोनों ही लोगों को बड़ी बेरहमी से सर पे प्रहार करके प्रथम दृष्टया जो चोटें नज़र आ रही हैं, मारा गया है। और बाकी इसके पीछे क्या एंगल है क्या नहीं, उस पर अभी हम लोगों की टीम छानबीन कर रही है। समय क्या था और किस तरीके से एंट्री किया? देखिए, समय अभी एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रथम दृष्टया जो सीन ऑफ क्राइम है, उसकी जो परिस्थितियाँ हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि घटना रात ही की है। और जो परिवार के लोग भी मौके पर जब आए तो दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था, कहीं कोई लैच टूटा हुआ नहीं है दरवाजे का, जो इस बात को इंगित करता है कि फोर्स्ड एंट्री नहीं है। और जो भी कोई व्यक्ति है या जो भी कोई अपराधी है वो नोन है, ये प्रथम दृष्टया। लूट की कहीं से सर एंगल निकल के आ रहा? लूट का देखिए, जो घटनास्थल को देख के, घर को देख के, प्रथम दृष्टया कोई लूट का एंगल इसमें मुझे नज़र नहीं आता। मृतक का बैकग्राउंड क्या था? मृतक का बैकग्राउंड जैसे मैंने बताया, वो यहाँ पर एक ग्रॉसरी शॉप चलाते थे, एक स्टोर था उनका इसी सोसाइटी में, और वो और उनका बेटा दोनों वहीं ग्रॉसरी स्टोर पे ही अपना चलाते थे। तो रंजे किसी जी सर, अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन हम लोग हर पहलू पर छानबीन कर रहे हैं और हर दृष्टिकोण से इस पूरे केस की पड़ताल कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी हम इस घटना का अनावरण करेंगे।